मेरा हमारा नाम है देमन यादव, मेरा लड़का आलोक यादव का नाम बताए हैं, आलोक यादव, आलोक यादव राजू गुप्ता सर से पढ़ता है, आर्टिस्ट है इसका। डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कार्यक्रम में राजन गुप्ता पटरोना में। आज इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि ये सारे बच्चों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक मिसाल साबित होने वाला है। ये बच्चा क्लास 8 में पढ़ता है और इसका नाम आलोक यादव है, RPM एकेडमी में अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इस बच्चे से, इसके बुक से, इसके किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन आप पूछेंगे तो आपको परफेक्टली जवाब देगा। और इस तरीके से शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो उसके बुक से क्वेश्चन पूछे और वो जवाब दे दे। और चाहे तो हर एक बच्चे इस तरीके से कर सकते हैं अगर वो उस तरीके से पढ़ाई कर रहते हैं तो, और पढ़ने का भी तरीका होता है। तो साथ ही हम इसके बुक से, इसका बुक है GK का, इसके बुक से मैं इसे सवाल पूछूंगा और आपके सामने देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है। तो सवाल को शुरू करते हैं, पूछते हैं जी। माय नेम इज़ आलोक यादव, आई स्टडी इन क्लास 8, माय स्कूल नेम इज़ RPM एकेडमी। थैंक यू भाई। तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप जवाब देना चाहेंगे? यस सर। सवाल मैं आपकी बुक से ही करूंगा। पहला सवाल है, विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? ट्रोपोस्फीयर। Who first proposed the idea that continental plates float around the semi-solid interior of the earth? Alfred Wegener. Yes, very good. Over 250 million years ago, the earth was a single landmass. What is the term given to it? Pangaea. Pangaea. Okay. अच्छा, क्या आप बताएंगे कि सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज क्या है? तीन ऑप्शन में आपको ऑप्शन करेक्ट बताना है। हिमालयस पहला, दूसरा आल्प्स पर्वत, तीसरा है अरावलीस। अरावलीस। ओके। विच इज़ द मोस्ट एब्डंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट? सिलिकॉन। सिलिकॉन। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट? 5 to 50 किलोमीटर। वेरी गुड। विच विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ ईस्ट एबव द बिलो द इक्वेटर? ट्रेड विंड। ओके, गुड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके बुक से मैं कहीं से कुछ भी पूछ रहा हूँ, ये आपको किस तरीके से जवाब दे रहा है बच्चा, आप देख पा रहे होंगे। बताइए कि विच ऑफ डिसीज, कौन सी बीमारी होती है जो मच्छर के काटने से होती है? डेंगू। ओके। हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर ऑन द अशोक चक्र? 24। वेरी गुड। If someone has diabetes, अगर किसी को diabetes हुआ है, right? अगर किसी को diabetes हुआ है तो उसका status, sugar level क्या होगा? Low होगा कि high होगा? High। What is the Yamini Krishnamurti associated with? Dancing। Dancing, good। अच्छा, कौन सी country है जिसको हम land of rising sun बोलते हैं? Japan। Japan को, बहुत बढ़िया। विच नोवेलिस्ट क्रिएटेड द कैरेक्टर ऑफ स्वामी? RK नारायण। ओके, बहुत बढ़िया। हु प्रोपाउंडेड दिस लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? न्यूटन। न्यूटन ने दिया था, बहुत बढ़िया। विच सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर म्यूमीज एंड पिरामिड्स? इजिप्टियन। इजिप्टियन, गुड। अच्छा, ईडन गार्डन एंड द ओवल किसको कहते हैं? क्रिकेट स्टेडियम। इन विच स्टेट, किस स्टेट में इज द हिल स्टेशन ऑफ मन्नार सिचुएटेड? केरला। केरला में। बोध गया इन बिहार इज सेक्रेट साइट ऑफ पीपल ऑफ विच रिलीजन? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म, बहुत बढ़िया। व्हाट इज माउंट ऑफ लॉर्ड विष्णु? गरुड़। गरुड़, अच्छा।
वो कौन सी सिटी है जिस जिसमें समर ओलंपिक गेम्स जो है 2020 में ऑर्गेनाइज हुआ? टोक्यो। टोक्यो। अच्छा, कार्डियोलॉजी इज स्टडी ऑफ ऑफ दिस ह्यूमन ऑर्गन्स, किसके लिए? हार्ट। हार्ट, ओके। डिड महात्मा गांधी रिसीव द नोबेल प्राइज? नो। ओके, विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट? से स्टडी से करेंगे जिसमें हम ब्रांच की पढ़ाई करते हैं, जैसे कि स्टडी या बैक्टीरिया की स्टडी हम किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी, बहुत बढ़िया। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर किस स्टडी के माध्यम से करते हैं? पैसियोलॉजी। पैसियोलॉजी, ओके, वेरी गुड। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट? एंथोमोलॉजी। एंथोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन मटेरियल्स रिमेन? आर्कियोलॉजी। बहुत बढ़िया। प्लांट के बारे में एंड एनिमल फोसाइल के बारे में स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं? पैलेंटियोलॉजी। बहुत बढ़िया। द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स? इथियोमोलॉजी। ओके, द स्टडी ऑफ लैंडमार्क्स एंड द प्रोसेस दैट शेप देम? जिमोरफोलॉजी। द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ बर्ड्स? ऑर्थियोमोलॉजी। बहुत बढ़िया। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स? जूलॉजी। गुड, वेरी गुड। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, इट्स ओरिजिन्स, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स? आर्थनोलॉजी। बहुत बढ़िया। द साइंस दैट डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, रॉक्स एंड फिजिकल चेंजेस? जियोलॉजी। जियोलॉजी। द स्टडी एंड स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ वोटिंग ट्रेंड्स एंड इलेक्शन रिजल्ट्स? पैसियोलॉजी। बहुत बढ़िया। क्या मैं और कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? ओके, दिस चैप्टर एंड दिस इज आल्सो और नॉट दिस नोबल नोबल। ओके, टेल मी, इन 1913 ही वॉज अवार्डेड द प्राइज इन लिटरेचर फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स टाइटल गीतांजलि। ही वॉज द फर्स्ट नोबल लिटरेचर फ्रॉम एशिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत बढ़िया। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन है, ही वॉज अवार्डेड द प्राइज, ही वॉज प्राइज अवार्डेड द प्राइज इन फिजिक्स इन 1930 फॉर हिज वर्क ऑन द मॉलिक्यूलर स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट? सी वी रमन। गुड, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन बताइए कि ही वॉज अवार्डेड द प्राइज इन इकोनॉमिक्स इन 1998 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स? अमर्त्या सेन। बहुत बढ़िया। कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो? ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया के बारे में पूछूंगा, बताइए कि ही वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, गुड। इंट्रोड्यूस द न्यूमेरस लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म ही ऑल्सो फॉट विथ टीपू सुल्तान? चार्ल्स बोर्निवाल। ओके, गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लास्ट विलियम वेंटिक। बहुत बढ़िया। एंड द फर्स्ट वायसराय कौन थे? वायसराय चार्ल्स कैनिन। चार्ल्स कैनिन, ओके। ही फाउंडेड अ स्कूल इन अजमेर फॉर द सन्स ऑफ इंडियन रूलर्स, ही वॉज कॉल्ड द अर्ल ऑफ मायो? लायोट। बहुत बढ़िया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जॉर्ज। जॉर्ज, बहुत बढ़िया। अच्छा, द पार्सिडर ऑफ द बंगाल टू कर्व द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म? जॉर्ज रॉबिन्सन। अच्छा, सती प्रथा को इलीगल किसने घोषित किया था? विलियम वेंटिक। बहुत बढ़िया। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ओके।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने देखा ये स्टूडेंट्स के बुक से मैंने कहीं से भी सवाल किया, इसने जवाब कितना अच्छे तरीके से दिया। क्या आप भी अपने बच्चे को इस तरीके से एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में, वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और एड्रेस लिख के आप सेंड करें। आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेगा कि आपको बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, किस तरीके से बच्चा पढ़ेगा तो इस तरीके से परफेक्ट होगा। अब सोचिए बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है, अभी क्लास 8 में पढ़ रहा है और अपने बुक को, हर एक बुक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाला कंपटीशन, हर एक कंपटीशन आसानी से बीट कर सकता है। अगर बच्चा हर एक क्लास में लापरवाही से पढ़ता है तो अचानक से जाके कंपटीशन की तैयारी करेगा तो वो उसके लिए दिक्कत होगा, वो जल्दी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि क्लास में, अगर क्लास 6 में, 5 में, 8 में, 9 में अगर बच्चा है तो उसी क्लास में अच्छे से, परफेक्ट से, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट के पास इस वीडियो को भेजें ताकि बच्चे सीखें इस बच्चे से कि पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए। आज के माहौल में बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए कम से कम इस बच्चे से ये सीख सकते हैं कि पढ़ाई में ध्यान ज़रूर दें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।